एशिया कप के शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा के बाद से ही इंडियन टीम के सिलेक्टर्स उस कॉम्बिनेशन की खोज में लगे हैं जो कि भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी को जीतने में मदद कर सके। और जब भी सिलेक्टर्स उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचने में कामयाब होते दिखते हैं तब उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है और उनको फिर से एक नए कॉम्बिनेशन पर काम करना पड़ जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहां भारत के इन 5 धाकड़ खिलाड़ियों को टीम से बाहर होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कौन से वो हैं 5 खिलाड़ी और कैसे उनके बाहर होने से पड़ गई है भारतीय टीम की मुश्किलें, बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। गौरतलब है कि जब से ही एशिया कप की शुरुआत की घोषणा हुई है तब से ही भारतीय टीम के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटा है। पहले वेन्यू का कॉन्फर्मेशन, उसके बाद भारतीय टीम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और अब चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट ने भारतीय टीम को मुश्किलें और बढ़ा दिया है। और ऐसे में हम आज इस वीडियो के जरिए उन 5 खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिनका एशिया कप खेलना मुश्किल है, मगर अगर ये खिलाड़ी भारतीय टीम में होते तो इनका जीतना लगभग तय हो जाता। और ऐसे में कौन है ये 5 खिलाड़ी, आइए जानते हैं एक एक कर। अगर बात करें इस लिस्ट के पहले खिलाड़ी की तो ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट के पहले खिलाड़ी ऋषभ पंत पिछले साल एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और तभी से ही लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब से ये खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ है तब से ही भारतीय टीम एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश में है और अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में BCCI ने कई युवा से लेकर एक्सपीरियंस खिलाड़ियों तक को भी आजमा कर देख चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कामयाब अब नहीं हो सके। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल ये खिलाड़ी चोट से रिकवर कर रहे हैं और ये रिकवरी तेज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका अभी टीम में वापस आना मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि अभी तक के करियर में इस खिलाड़ी ने 30 वनडे मैचों में खेला है जिसमें इन्होंने 865 रन बनाए हैं। बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो ये खिलाड़ी KL राहुल है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज KL राहुल भी इस वक्त चोट से जूझ रहे हैं। IPL 2023 में बेंगलोर के खिलाफ खेले जा रहे एक मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। चोट वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी जिसके बाद वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हिस्सा नहीं बन सके थे। और ऐसे में KL राहुल अभी NCA में ऋषभ पंत के साथ ही रिकवरी कर रहे हैं। ऐसे में उनको BCCI वर्ल्ड कप या फिर उससे पहले होने वाले सीरीज में टीम में वापस लाने की सोच रहे हैं। यही कारण है कि उनको वेस्ट इंडीज के दौरे से भी बाहर रखा गया है। और ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 54 वनडे मैचों में 1986 रन बनाने वाले KL राहुल को एशिया कप के टीम से बाहर रखा जा रहा है। बात करें लिस्ट के तीसरे खिलाड़ी को तो ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हैं। आपको बता दें कि अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले श्रेयस अय्यर भी चोट की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पीठ की सर्जरी करवाई थी जिसके बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और अय्यर अभी भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही रिकवरी के लिए बने हुए हैं। ऐसे में अय्यर का टीम इंडिया के आगामी सीरीज में शामिल होना मुश्किल माना जा रहा है और यही कारण है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एशिया कप से भी ये खिलाड़ी बाहर ही रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 42 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1631 रन बनाए हैं। इस लिस्ट के चौथे खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध कृष्णा। इस तेज गेंदबाज का भी नाम चोटिल खिलाड़ियों के लिस्ट में ही शामिल है। आपको बता दें कि IPL 2023 से पहले ये खिलाड़ी चोटिल हो गया था जिसकी वजह से IPL में भी ये खिलाड़ी नहीं खेल पाया था और यही कारण है कि माना जा रहा है कि टीम इंडिया के आगामी सीरीज से भी उन्हें बाहर ही रखा जाएगा। आपको बता दें अपने करियर के शुरुआत में ही जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने चोट का सामना किया है उससे इस खिलाड़ी का करियर भी खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 14 वनडे मैच खेले हैं जिसमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 25 विकेट भी हासिल करने में सफल हो पाए हैं और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कब और कैसे ये खिलाड़ी टीम में वापसी करने में कामयाब हो पाता है। इस लिस्ट के 5वें खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। आपको बता दें ये खिलाड़ी कभी भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी की शान माना जाता था लेकिन अभी चोट से ग्रसित चल रहा है। ये खिलाड़ी साल 2022 से चोटिल चल रहे हैं और अभी हाल ही में बुमराह को अपनी पीठ की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। फिलहाल वो चोट से उबर रहे हैं और वनडे विश्व कप के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको वर्ल्ड कप के दौरान टीम में वापस बुलाया जा सकता है। तब तक उनको आराम दिया जाएगा ताकि ये खिलाड़ी चोट से रिकवर हो सके। बुमराह 72 वनडे मैचों में 121 विकेट चटकाने वाले टीम इंडिया के आगामी सीरीज से बाहर हो सकते हैं जिसमें एशिया कप भी शामिल है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इन दिग्गज खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम किस तरीके
तरीके से एशिया कप को जीतने में कामयाब हो पाती है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कब तक इन खिलाड़ियों का टीम में वापसी होता है और क्या ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलते नजर आते भी हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम बिना इन खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतने में कामयाब हो पाएगी? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।